भैया अपना तो ना हो गया है रोज का, अब अपना रोज का क्या हो गया है भाई साहब? बाबर आजम से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करो, बाबर आजम के अगेंस्ट कोई पोस्ट देख लो, कोई वीडियो देख लो, कोई भी कुछ देख लो। साथ ही मेरा सोशल मीडिया पोले से मतलब आराम से ना बाबर आजम का एक ऐसा स्टैट मेरे मुंह पे चमका देता है कि फिर मैं सोशल मीडिया वालों को एड्रेस करता हूँ, उनको बताता हूँ, उनके एल्गोरिदम के आके हाथ जोड़ता हूँ कि आई एम नॉट बाबर आजम हेटर भाई। अबे ये जो मुझे चीज़ें दिखा रहा है ये उनको क्यों नहीं दिखाता जो कि सुबह शाम बाबर आजम की बैंड बजाने पर लगे होते हैं? अबे हम तो बाबर आजम की टेक्निकल गलतियों के ऊपर बात करते हैं, आप वो भी छोड़ दें? तुम हुक्म करो वो भी छोड़ देते हैं जिस किस्म के तुम स्टैट्स चिपकाते हो मिसाल के तौर के ऊपर। आज मुझे पता चला, दो कि मुझे वैसे खैर पहले भी पता था, लेकिन आज तो पोस्ट मारकर एल्गोरिदम ने ना मेरे मुंह पे चिपकाया कि बाबर आजम इज द ओनली बैट्समैन थ्रू आउट द वर्ल्ड पीरियड, थ्रू आउट द वर्ल्ड द ओनली बैटर जो के आईसीसी की रैंकिंग्स के अंदर टॉप 5 में आता है। आईसीसी की तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग में बाबर आजम इज द ओनली बैट्समैन के जो टॉप 5 में है। बाबर आजम के अलावा कोई भी नहीं है, विराट भी नहीं है, रोहित भी नहीं है, केन विलियमसन भी नहीं है, डेविड वॉर्नर भी नहीं है, स्टीव स्मिथ भी नहीं है, बेन स्टोक्स भी नहीं है, यू नेम इट। कोई बड़े से बड़ा बैटर उठाकर देख लो भाई साहब, कोई ऐसा बैटर नहीं है कि जो तीनों फॉर्मेट्स की जो रैंकिंग्स हैं उसमें पहली 5 में से कोई एक पोजीशन लेकर बैठा हो सिवाय बाबर भाई है। बाबर भाई बैठे हुए हैं। अब सुन लो ना कैसे, थोड़ा कानों को दर्द लगेगा जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे रहते हैं, लेकिन अब क्या करें, सुनना तो पड़ेगा। सुनो, सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं। बाबर भाई टेस्ट रैंकिंग्स में तीसरे नंबर के ऊपर हैं 768 पॉइंट्स लेकर। कितने? 768 पॉइंट्स, और उनकी पोजीशन है नंबर 3 की। अब आते हैं T20s के अंदर। T20s में बाबर भाई हैं चौथे नंबर के ऊपर, और बाबर भाई के पॉइंट्स हैं 763 T20 इंटरनेशनल में। और लोग नहीं, क्रिकेट के ज्ञानी, क्रिकेट के पंडित ये भी बात कर रहे हैं कि बाबर भाई की आयरलैंड वाली, बाबर भाई की इंग्लैंड वाली और बाबर भाई का वर्ल्ड T20 अच्छा लग गया ना तो वो T20 इंटरनेशनल में भी नंबर 1 पोजीशन पर जा सकते हैं, सूर्या कुमार यादव को रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्रिकेट के पंडितों का एक अंदाजा है। अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्मेट के ऊपर जो कि है ODI का। अरे लो, इसमें तो बाबर भाई नंबर 1 पर बैठे हुए हैं। आप ठीक है बाबर भाई, बैठे बाबर भाई ODI इंटरनेशनल्स में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर हैं 824 पॉइंट्स लेकर। कितने? 824। अब बताओ कि बाबर भाई के साथ क्या करें? बाबर भाई के जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं वो तो छोड़ ही दो। तुम लोगों को ना मैं बाबर आजम का एक ऐसा रिकॉर्ड बताता हूं कि जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक। और ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो तो बाबर आजम के इस यूनिक रिकॉर्ड के ऊपर मरते हैं। ऑस्ट्रेलियंस, अब पूछोगे वो रिकॉर्ड क्या है? सर, बाबर आजम इज द ओनली बैट्समैन इन क्रिकेट हिस्ट्री के जिसने लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6, 9, 7 नहीं, 8, 9 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज मारी हुई हैं। 9 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। इसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड है, ODI भी इंक्लूडेड है, T20 इंटरनेशनल भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा बाबर आजम के अलावा किसी के पास ये यूनिक रिकॉर्ड नहीं है कि उसने 9 कंसेक्यूटिव 50s मारी हों अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। अब ऑस्ट्रेलियंस क्यों इस रिकॉर्ड के बाबर आजम के फैन हैं? क्योंकि 9 में से 7 बाबर आजम ने उनको ठोकी हैं। 9 में से 7 50s अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाई हुई हैं। इसके अलावा फास्टेस्ट टू 5000 रन 97 इनिंग्स में ODI इंटरनेशनल में बाबर भाई के नाम पर। मोस्ट कंसेक्यूटिव मैचेज एज ए कैप्टन ऑफ अ टीम 55 T20 इंटरनेशनल्स में बाबर भाई के नाम के ऊपर। मोस्ट फोर्स इन कैरियर T20 इंटरनेशनल 409 बाबर भाई के नाम के ऊपर। फास्टेस्ट 2500 रन T20 इंटरनेशनल में 62 इनिंग्स में बाबर भाई के नाम के ऊपर। अच्छा, 50s इन कंसेक्यूटिव इनिंग्स, ये जो अभी आपको बताया ये किसी के पास नहीं है भाई साहब। ये वाला रिकॉर्ड बाबर आजम का किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ हमारे जो
पॉपजी द किंग्स है ना, कुछ लोगों के ये सिर्फ उनके पास है। अच्छा, बैटिंग एवरेज उसमें चौथे नंबर पर है, हाईएस्ट बैटिंग एवरेज में 56। T20s की बात, ODIs की मैं बात बता रहा हूँ आपको, कि उसमें बाबर भाई का ये भी एक रिकॉर्ड है। तो यार ये बाबर भाई के रिकॉर्ड्स की एक बड़ी लंबी लाइन है भाई, 50s इन कंसेक्यूटिव इनिंग्स ODI के अंदर 6 भाई साहब गेम। भाई बाबर भाई क्या रिकॉर्ड की खपत में जाएं। प्लेन बात ये करूँगा कि बाबर आजम एज ए बैट्समैन, उसके जो स्टैट्स हैं, जो उसके रिकॉर्ड्स हैं, यार वो मुंह बंद कराने के लिए बहुत है। अब ले दे के बस उसकी कप्तानी बचती है, उसमें ठीक है बाबर आजम कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स कर जाते हैं, लेकिन अब चूंकि बाबर आजम की कप्तानी का एक नया इरा स्टार्ट हुआ है, तो उसमें देख लेते हैं बाबर आजम क्या कर लेते हैं। अगर तो पहले वाली कप्तान बाबर आजम नज़र आते हैं तो भाई ठीक है, उनके बारे में बोल देंगे कि ये कप्तानी नहीं कर पाएंगे यार, तो कुछ और देख लेंगे। इसमें इतना एंटी बाबर होने की क्या बात है। देखो भैया, एंटी बाबर होने का कोई फ़ायदा नहीं है, बंदे की जितनी गलती हो ना उतने तक ही रहना चाहिए। एक बंदे की जिसे कहते हैं ना, एक गलती की वजह से उसकी सारी की सारी नेकियों को या अच्छे कामों को मल्टीप्लाई बाय जीरो कर देना, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर उस बंदे से रिलेटेड जेलसी है, आप सड़ते हैं उस बंदे से। तो भैया हसद तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। फिर हम यही कहेंगे कि जलते रहो और जलो, सर्दियों में काम आएगा ये जलना, आपके अपने लिए भी, जो आपके करीब शरीब होगा उसके लिए भी। अबे गैस बच जाएगी ना, बंदा जल के इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा कि आगे पीछे वाले भी उसी को सेक लेंगे, हाथ सेक लेंगे। इससे बताना ज़रूरी होता है, कुछ लोग मेरे दूसरी साइड पे चल पड़ते हैं फैंस। कोई नहीं हो जाता है, इट्स ओके। तो फिलहाल बाबर भाई को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, इन्जॉय मारें। आप रैंकिंग्स में छाए हुए हैं बाबर भाई, आई रियली होप कि आप तगड़ी किस्म की कप्तानी करेंगे आयरलैंड के अगेंस्ट, वर्ल्ड T20 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, आगे आने वाली सीरीज़ में भी, ताकि जितने आप ज़बरदस्त बैट्समैन हैं उतने ही आप ज़बरदस्त कप्तान भी बन जाएं। सो बेस्ट ऑफ लक हमारी साइड से। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।